वर्क एंड एनर्जी हमारा लेसन था, ठीक है। तो हमने वर्क कब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, सब डिस्कस कर लिया था। फॉर्मूला डिस्कस करना हमारा रह गया था। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ध्यान रखना, फोर्स होना चाहिए न्यूटन में और डिस्टेंस होना चाहिए मीटर में। फिजिक्स में मैं बार बार कहती हूं, सिर्फ फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले के साथ आपको यूनिट भी देखना है, राइट। अब देखो, जैसे आपके ये बुक का क्वेश्चन है, अ फोर्स 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना, यानी फोर्स पॉजिटिव होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। तो अब फोर्स जो है कितना एक्ट करेगा, तो आपका आ जाएगा फोर्स 5, डिस्टेंस 2, 5 इंटू 2 10 न्यूटन मीटर। लेकिन फोर्स की यूनिट होती है जूल, तो तभी आपको डिफाइन दिया था डिफाइन 1 जूल। तो वो डिफाइन 1 जूल क्या है कि जब आपका फोर्स 1 कब आएगा, 1 इंटू 1 पे ही 1 आएगा ना, यानी जब हमारा फोर्स 1 न्यूटन हम अप्लाई करेंगे और बॉडी जो डिस्प्लेस होगी उसका डिस्टेंस 1 मीटर होगा, तो जो हमारा वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। ओके, फॉर्मूला आप कर लेंगे, ये सेम ऐसे ही है। देखिए 10 न्यूटन, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 8 मीटर, यूनिट वही है जो हमें चाहिए, राइट। अब आपको निकालना है वर्क डन, वर्क डन इज एफ इंटू एस, यानी 10 इंटू 8 80 जूल। ओके, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अ बॉय पुशेज अ बुक अप्लाइंग 40 न्यूटन फोर्स, और वर्क फोर्स कितना हुआ डिस्प्लेस थ्रू 25 सेंटीमीटर। लुक, फोर्स हेयर इज गिवन इन न्यूटन मीटर बट डिस्टेंस हेयर इज गिवन इन सेंटीमीटर। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, और मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर से, बाय डिवाइडिंग इट थ्रू 100। तो ये आपका मीटर में आ गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका वर्क डन आपको मिल जाएगा। देखो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी और वर्क सेम है, क्यों, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क की यूनिट भी जूल होती है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। तो आप एनर्जी के क्या डिफाइन लिखोगे, ये एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड इट इज मेजर्ड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ वर्क इट कैन डू। अब यहां जो हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी की एसआई यूनिट भी क्या है, जूल। ओके, लेकिन 1 जूल की डिफाइन आप वही लिखोगे जो मैंने आपको वर्क डन में बताई है। नेक्स्ट हम दो तरह की एनर्जी पूरे लेसन में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जब हम कंबाइन कर दें तो वो हमारे पास आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी, जब भी कोई बॉडी मोशन में होगी तो वो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट ऑब्जेक्ट कैन डू अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। देखो अब है डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी एम मास। तो हम को ये डिराइव करना है, और अभी आपको मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी है ना, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या है, वर्क डन। और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अब इसमें हम जो फिजिक्स में पहले पढ़ चुके हैं सारा वो अप्लाई हम करेंगे, राइट। अब इसमें आप पहले लिखेंगे यू क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टी टाइम टेकन। ये सारी यूनिट्स आप फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, बस इसको आपको डिस्क्राइब करना है। ओके, और फोर्स क्या होता है हम पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में, एम ए। अब देखो अगर मैं वर्क में लगाऊं F इज इक्वल टू S, फोर्स आ गया मेरा एम ए। अब S, S की डिफाइन मैं कहां से लूंगी, ये देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू ए एस, ये वाली इक्वेशन मैं कंसीडर करूंगी और यहां से मैं S की वैल्यू निकालूंगी।
ये ऐसे लेते हैं, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया 2as और ये इधर जाके नेगेटिव हो गया। तो अब s जो है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन 2a, ये आ गया राइट। ये वाली इक्वेशन जो है वो प्लस है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से, प्लस की वजह से ये गड़बड़ हो गया। यहां आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन थी। अब बस इस इक्वेशन को हम यहां पुट कर देंगे, m a v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a, a से a कैंसिल हो गया। और क्या होता है बिगनिंग में, u क्या होता है, जीरो होता है, बॉडी व्हेन इनिशियली रेस्ट, ठीक है ना, तब तो कोई वर्क डन भी नहीं हुआ, तो u आपका जीरो हो गया। अब फिर इसमें जब आप u जीरो पुट करेंगे क्या आएगा, m v स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, यही फॉर्मूला, ये आपको डिराइव करना है। और ये पूरी बुक में सब यहाँ पे ये लिखा है सारा, देखो वही है वर्क डन। और वर्क डन किसके इक्वल होता है, अभी आपको बताया, वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तभी उसमें v आएगा ना। स्टार्टिंग में तो वो u जीरो पे है, मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, व्हेन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग तो v फैक्टर कम इन टू प्ले, और उसमें क्या होगा, वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन किसके इक्वल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो हमारा ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया, और ये सारा इसमें लिखा है।